रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पाक टीवी डॉट टीवी से मैं हूं आपकी होस्ट शहनाज महमूद। तो पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी जनाब, गाड़ियां सस्ती हो गई और सरकार ने ये फैसला लिया है। तो जनाब फिर आप भी फटाफट उठें और अपनी गाड़ी खरीदें। तो बताते चले कि 850 सीसी तक की लोकल तैयार शुदा यानी पाकिस्तानी ब्रांड की 3 गाड़ियां जो फौरी तौर पर सस्ती हो गई हैं, जिसमें आल्टो है, ब्रावो है और प्रिंस पर्ल है। तो कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के रेट्स कहाँ तक गिरेंगे, यही जानने के लिए हम एक शोरूम ओनर के पास मौजूद हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। जी अली हैदर जी, फैसला। सर मुझे बताइएगा कि बड़ा ऐलान किया गया है वफाकी बजट में, टैक्सीज कम हो गए हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ कितनी सस्ती हुई, मिलियन डॉलर सवाल। जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ उसमें 3 ही गाड़ियाँ हैं जो सस्ती हुई हैं जी। जी ये सुजुकी का ब्रांड है, उसमें चाइना की है यूनाइटेड ब्रेवो है और एक प्रिंस पर्ल है। ये 3 ही ब्रांड है जो अभी तक सस्ते हुए हैं। पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होगा इसका 1 जुलाई से। अच्छा, इंप्लीमेंट होगा 1 जुलाई से और रेट फौरी तौर पर गिर गए हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं आल्टो की, तो इसका पहले रेट कितना था और अब रेट कम होके कितना हुआ? आल्टो पहले 11,98,000 की थी, जो VX है अभी 11,24,000 की हो गई है, 850 सीसी में। इसी तरह जो ब्रेवो गाड़ी है ये पहले हमारी चल रही थी तकरीबन 11,00,000 रुपए की, अभी हो गई है 10,33,000 रुपए की। और जो प्रिंस पर्ल है वो 11,30,000 की चल रही थी, अभी वो हो गई है 11,45,000 रुपए की, मतलब 10,77,000 रुपए की। यानी ये 3 जो ब्रांड इन्होंने बताए हैं, इनमें अगर फ़र्क पड़ा है तो तकरीबन 90,000 से लेकर 1,13,000 तक का कुछ फ़र्क पड़ा है। तो जनाब फिर आप भी जल्दी से सोचें, अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो फिर उठिए, शोरूम आइए और अपनी पसंद की गाड़ी खरीदिए। सवाल ये भी है कि ऐलान किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं उनमें भी सेल टैक्स की शरह काफ़ी कम कर दी गई, 17% से लेकर 1% तक कम कर दिया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ सस्ती होंगी, उसका क्या सीन है? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ना अभी पाकिस्तान में अपनी तो मैन्युफैक्चर हो नहीं रही। नहीं, ये दरामद शुदा जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं उनका अभी, जो फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ना उनका इतना रिपेयर का काम नहीं है पाकिस्तान में, खुसूसा हमारे फैसलाबाद जैसे शहर या छोटे शहर जो भी हो गए हैं। अभी इधर लोकल मैनुफैक्चरिंग होगी तो फ़ायदा है, बाहर की गाड़ी का तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई इतना खास फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं, बाहर से जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं वो सस्ती भी काफ़ी हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तानी आवाम खरीद रही? ये नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें रिपेयर भी उन्हें करना है, वो गाड़ियां ख़राब भी होनी हैं, उन्हें ठीक भी करवाना पड़ना है, उसकी वर्कशॉप्स नहीं हैं, रिपेयरिंग का उसका नहीं है इंतज़ाम हमारे पाकिस्तान में भी। अच्छा, अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि अगर वो गाड़ी ख़राब होती है तो उनको रिपेयर करवाया जाए, इसलिए लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ना ख़रीदी जाए। तो मुझे बताइएगा कि ये जो गाड़ियों के रेट्स कम हुए हैं, तो हमें तो लग रहा है कि ज़रा मामूली फ़र्क है, आप आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू के बताएं कि जो 16,00,000 की गाड़ी फर्ज करें लेने आता है उसको 15,00,000 की मिल रही है, तो क्या ये ज़्यादा फ़र्क है? आपको बता दूँ, जिस बंदे के पास है ही 10-11 लाख रुपया जी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, जो बड़ा कस्टमर है 40-50 लाख रुपये वाली गाड़ी लेने वाला बंदा, उसे पहले भी 50,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। जो छोटी गाड़ी लेने वाला बंदा, किसी ने बैंक फाइनेंस करवानी है, किसी ने कैश में लेनी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा फ़र्क है, तो बहुत बड़ा फ़र्क। चलिए, आवाम के फ़र्क की तो बात कर दी, तो आपको जो शोरूम ओनर्स हैं उनको और जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कितना फ़र्क पड़ेगा? गाड़ियों की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे, लोगों की तलब ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड पूरी करेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी, क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा ये फ़िलहाल तो होगा जो 0 मीटर गाड़ी का काम करें ना, उन शोरूम वालों को फ़ायदा होगा। हम जो रीसेल वाले हैं, हमें इन तीनों ब्रांड्स में से सिर्फ सुजुकी का फ़ायदा होगा जो ज़्यादा बिकता है। अच्छा, जो ज़्यादा बिकता है, और जो है 0 गाड़ी उसमें जो शोरूम 0 मीटर गाड़ी का काम करें ना उन्हें फ़ायदा होगा, हमें कम होगा। अच्छा, आप जो है सेकेंड हैंड गाड़ियों का कर रहे हैं? सेकेंड हैंड गाड़ी में जो हमें फ़र्क आएगा वो रीसेल जो हमारे पास ज़्यादा है वो सिर्फ सुजुकी ब्रांड की है, VX की, VXR की भी और ऑटोमेटिक की भी, इन्हीं की हमारे पास ज़्यादा सेल है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करेंगे आप इस सिनेरियो को लेकर, वो गाड़ियां ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे? लेकिन ज़्यादा जारी बात है वो करेंगे, क्योंकि एक मरतबा तो आवाम जाएगी ना लेने के लिए, बिल्कुल ज़्यादा उन्हें करनी पड़ेगी, खुसूसन सुजुकी को तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो ब्रेवो है उसकी ऑलरेडी रीसेल इतनी कोई अच्छी नहीं है, प्रिंस पर्ल की इतनी कोई अच्छी नहीं है, उनकी इन्वाइसिस ऑलरेडी जो 11,50,000 रुपये पर इन्वाइस थी, गाड़ी लेते ही वो पहले ही 10,00,000 रुपये की रह जाती थी, कस्टमर का एतमाद नहीं है इन पर, यूनाइटेड ब्रेवो पे और प्रिंस पर्ल पे, तो इन्हें शायद इनके लिए मज़ीद कुछ अच्छा हो जाए। सुजुकी तो ऑलरेडी हिट ब्रांड चल रहा है, उसे कोई इशू नहीं आ रहा इसमें, बड़े या कम हो।
बिल्कुल, अभी हम ये जो तीनों ब्रांड है आल्टो, ब्रावो और प्रिंस पर्ल, ये गाड़ियाँ आपको दिखाते भी हैं और वन बाय वन बताएंगे कि रेट पहले क्या थे और अब कितने कम हुए। चले मेरे साथ। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं यूनाइटेड के शोरूम में मौजूद हूँ और ये है वो सड़क की शहजादी। ये यूनाइटेड वालों की ब्रावो कार, जिसका नंबर आया है इस बजट में कि ये गाड़ी भी जो है सस्ती हो जाएगी। तो मुख्तलिफ सर्वे करने के बाद, एक से दूसरी जगह जाने के बाद और मुख्तलिफ डीलर से बात करने के बाद हमें पता चला है कि ये गाड़ी जो है तकरीबन 40 से 50 हज़ार फी गाड़ी तक ये सस्ती हो सकती है। यानी सस्ती होने के बाद ये गाड़ी आपको 10 लाख 30 हज़ार तक में मिल सकती है। तो हालात ये हैं कि शहरी आना शुरू हो गए हैं और शोरूम ओनर्स जो हैं वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ाइनली ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है। और कहा तो यही जा रहा है कि 1 जुलाई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और जैसे ही गाड़ियाँ 1 जुलाई को सस्ती होंगी तो लोग जो है धड़ाधड़ ये चमचमाती गाड़ियाँ ख़रीदना भी शुरू हो जाएंगे। तो जनाब, ये है सुजुकी ब्रांड की 850 सीसी आल्टो गाड़ी, जो मेहरान का नेक्स्ट मॉडल है। तो ये गाड़ी पे नज़रें करम हुई है, बजट में सस्ती हुई है। पहले इस गाड़ी की कीमत 16,33,000 थी, लेकिन मुख्तलिफ टैक्सीज की छूट के बाद ये गाड़ी अब हमें मिलेगी, पाकिस्तानियों को मिलेगी तकरीबन 15,30,000 की।